फाइनली जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों। टेंथ क्लास स्टूडेंटों के लिए बेसब्री से इंतज़ार था कि हमारा रिजल्ट किस दिन को आने वाला है। दोस्तों एमपी बोर्ड के सचिव अनिल सुचारिया जी ने ये बता दिया है कि एमपी बोर्ड के दसवीं का रिजल्ट किस दिन आने वाला है। दोस्तों वीडियो पर आप पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों एमपी बोर्ड के सचिव अनिल सुचारिया जी ने टेंथ क्लास के रिजल्ट की डेट घोषित कर दी है कि इस डेट को आपका रिजल्ट आने वाला। दोस्तों सभी को पता है शुरू से ही परंपरा चलती आ रही थी कि टेंथ क्लास का और ट्वेल्थ क्लास का रिजल्ट एक ही दिन आता था और वो भी 15 मई को आता था। दोस्तों इस बार आप सभी को पता है लॉकडाउन की वजह से रिजल्ट नहीं आ पाया, ऐसे में रिजल्ट इस बार टेंथ क्लास का पहले आएगा और एक महीने बाद ट्वेल्थ का रिजल्ट आएगा। तो आपको बता दूंगा टेंथ क्लास का रिजल्ट दोस्तों 14 से 15 जून के बीच में आएगा। दोस्तों यह बिल्कुल फिक्स डेट है, इस डेट को कन्फर्म ही 100% आपका रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों इस रिजल्ट को आप देख सकते हैं एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आप SMS के थ्रू भी इस रिजल्ट को देख सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सीधे आप वहां से देख सकते हैं क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा लोड होता है वेबसाइटों पर और आप सीधे तरीके से रिजल्ट नहीं देख पाते। दोस्तों उस दिन अगर रिजल्ट देखने में कोई दिक्कत आती है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरी वेबसाइटों की मदद से किस प्रकार से रिजल्ट देख पाएंगे। अगर ज्यादा कॉमेंट आएंगे तो मैं वो वाली वीडियो बना दूंगा, अगर नहीं आएंगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना, ताकि सभी को पता चल सके कि 10th क्लास का रिजल्ट किस दिन आने वाला। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद दोस्तों।